सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह की एडिटिंग। आप किस तरह से इस टाइप की एडिटिंग कर सकते हो पिक्सार्ट की मदद से। तो आज इस वीडियो में इसी फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो यार, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना किस तरह का आपको यह वीडियो लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप आने वाली वीडियो से मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और किस तरह से डाउनलोड करना है इसका भी लिंक मैंने वीडियो में दे दिया है, तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो इसे हम यहाँ से सेंड कर देंगे पिक्सार्ट ऐप में। तो ऐसे मैं सेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों, पिक्सार्ट में आने के बाद हम इस बैकग्राउंड को शायद थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, ताकि हमको एक बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड हो। तो यहाँ से हम जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। और टूल्स वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा रिसाइज का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो आपसे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर ऐड कर देना है। तो ऐसे हम 5000 ऐड कर देंगे और देखेंगे स्क्रीन पर कैसा होता है। तो ऐसे मैं डन कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 2560 हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट घटाकर दो वाला डाल देना है। तो ऐसे हम 2559 डाल देंगे। तो ऐसे मैं डाल देता हूँ। और डालने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो ऐसे हम डन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर बढ़ चुका है। अब हम इस पर ऐड करेंगे अपने फोटो को। तो भाई, फोटो को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन में। तो ऐसे चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लिया है, इसे हम क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है कटआउट वाले ऑप्शन में। तो ऐसे हम चले जाएंगे। और कटआउट वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको नीचे नजर आ रहा होगा ये वाला आइकन, इस पर हम टैप कर देंगे। तो ऐसे मैं टैप कर देता हूँ। टैप करते ही आपको यहाँ पर साइज थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो ऐसे हम छोटा कर लेंगे। और छोटा करने पर आपको मॉडल के ऊपर इस तरह से आउटलाइन फेर देना है। तो ऐसे हम फेर देंगे। तो दोस्तों, आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो ऐसे हम डन कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी हद तक हमारा मॉडल सेलेक्ट हो चुका है। और जो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो भाई आप सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है ब्रश वाले आइकन पर। तो ऐसे हम चले जाएंगे। और साइज़ को आपको थोड़ा सा छोटा कर देना है। तो ऐसे हम छोटा कर देंगे। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है उस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका कोई पार्ट यहाँ पर आउट आ रहा है, तो भाई मिटाने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है रबर वाले आइकन पर। तो ऐसे हम चले जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो भी मिटाना हो इस तरह से आप मिटा सकते हैं। और सारा का सारा कंप्लीट हो जाना है आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो ऐसे हम डन कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा मॉडल यहाँ पर क्रॉप हो चुका है। आपको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो ऐसे हम थोड़ा सा घुमा देंगे। तो ऐसे मैं घुमा देता हूँ। और घुमाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर रोड पर लगा देना है। तो ऐसे हम लगा देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो ऐसे हम एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो ऐसे हम डन कर देंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम इसमें एक इफेक्ट ऐड करेंगे। इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। तो ऐसे हम चले जाएंगे। और इफेक्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर चले जाने फिल्टर वाले ऑप्शन में। तो ऐसे हम चले जाएंगे। जिसके पिक्सार्ट में सारे सारे फिल्टर नहीं आ रहे हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया पिक्सार्ट अनलॉक वर्जन नाम से। आप जाकर उस वर्जन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे मैं अप्लाई कर दूंगा मिल्टू का इफेक्ट। तो ऐसे अप्लाई कर देता हूँ। और अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के लिए आपको एक बार टैप कर देना है। तो ऐसे हम टैप कर देंगे। टैप करते ही आपको फेड ऑप्शन थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो ऐसे हम करीब कर देंगे 17 करने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो ऐसे हम डन कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा पिक्सार्ट का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, इस फोटो को हम रिटच करेंगे, ताकि हमको एक बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड हो। तो दोस्तों, अब हम इसे रिटच करेंगे लाइट रूम से। तो पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो ऐसे मैं सेव कर लूँगा ड्रॉ वाले ऑप्शन से। तो ऐसे मैं ड्रॉ वाले ऑप्शन में चले जाऊँगा। और ड्रॉ वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा 3 डॉट का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ऐसे मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करते ही आपको सेव इमेज पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे हम क्लिक कर देंगे। अब हम इसे रिटच करेंगे। रिटच करने के लिए आपको अपनी फोटो लाइट रूम ऐप पर ओपन कर लेना है। तो ऐसे मैं ओपन कर लूँगा। तो दोस्तों, लाइट रूम में फोटो ओपन करने के बाद आपको ये वाला आइकन पर चले जाना है। तो ऐसे हम चले जाएंगे। अब इस ऑप्शन में आने के बाद आपको एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो ऐसे हम बढ़ा देंगे। और कॉन्ट्रास्ट को भी हम थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ऐसे हम बढ़ा देते हैं। आपको अपनी फोटो के मुताबिक इस तरह के सारे सारे ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है। तो ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे मैं हाईलाइट बढ़ा लेता हूँ। और थोड़ा शेडो को बढ़ा लेंगे। और बाइट्स को हम यहाँ पर लो कर देंगे। और ब्लैक्स को भी आपको यहाँ पर लो कर देना है। और इतना करने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। तो ऐसे मैं ये वाले आइकन पर टैप कर देता हूँ। तो ऐसे मैं टैप कर दूंगा। और टैप करके आपको क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो ऐसे हम बढ़ा देंगे। और डीएच को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ऐसे माइनस कर देता हूँ। और विजेंटो को थोड़ा सा लो कर देना है। तो ऐसे हम लो कर देंगे। और इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाना है। तो ऐसे हम चले जाएंगे। इस ऑप्शन में आने के बाद आपको शार्पनिंग थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो ऐसे हम बढ़ा देंगे। उसके बाद आपको डिक्सर को नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन, इसको भी आपको बढ़ा देना है। तो ऐसे हम बढ़ा देंगे थोड़ा। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो ऐसे हम डन कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी पहले फोटो कुछ इस तरह की थी, और अब इस तरह की हो चुकी है। तो बहुत ही बढ़िया रिटच हमें देखने को मिलता है। तो इसे सेव करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है 3 डॉट के ऑप्शन पर। तो ऐसे हम चले जाएंगे। 3 डॉट के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा सेव टू डिवाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देना है। तो इस तरह से आपकी फोटो यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी में सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप आने वाली वीडियो से मिस ना हो पाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर लौटूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।